हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हरियाणा पुलिस भर्ती 2024 का नोटिस आपका आ चुका है। पोस्ट की बात करता हूँ तो लगभग 6,000 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी बच्चा। और लगभग 18 से 28 साल आपकी एज जो है यहाँ पे रख दी गई है, जिसमें योग्यता आपकी 12th पास होनी चाहिए। 3 वर्ष की आपको छूट दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो बच्चे एज से बाहर हो गए थे, जो इस वैकेंसी से बाहर हो गए थे, वो भी अब इसमें अंदर आ जाएंगे। तो चलिए सारी बातें करता हूँ, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलिए बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए बच्चों देखिए, यहाँ पर आपकी डेट आ गई है। देखिए, डेट ऑफ जो है आपका पब्लिकेशन की है, तो 12 तारीख को ये जो है पब्लिक्स हो चुका है। अगर मैं बात करता हूँ आपके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट की डेट आपकी 20 फरवरी है, यानी 20 फरवरी से आप इन्हें ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं बच्चा। अगर बात करता हूं मैं क्लोजिंग डेट की, तो बच्चों यहां पे 21 तारीख यानी 21 मार्च 2024 को आपकी एज जो है आपका यहां पे क्लोजिंग डेट है, जिसमें आपका फॉर्म बंद हो जाएंगे। तो आपको उससे पहले ही भर लेना है, और फीस का झंझट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी बच्चे से कोई फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। यहाँ पे लिख के दे दिया है कि कोई फीस यहाँ पे कोई चार्ज बच्चों से नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। तो आपको 21 मार्च तक आपको अप्लीकेशन अपना कंप्लीट करा लेना है, और फीस वीस की इसमें डेट है ही नहीं, क्योंकि फीस इसमें ली नहीं जाएगी बच्चा। तो मैं तो सभी बच्चों से कहूँगा जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं, तो इसे जरूर भरिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। देखिए, बात करते हैं बच्चों यहाँ पे आपका यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी टोटल कितनी है बच्चा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6,000 वैकेंसी है पोस्ट आपकी जो है यहाँ पे आई हुई है, जिसमें अलग अलग इन्होंने दी हैं। देखिए, यहाँ पे 5,000 जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की हैं और जनरल ड्यूटी की, और 1,000 वैकेंसी जो है आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट की हैं। तो फीमेल कैंडिडेट की भी इन्होंने अलग से दी है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जनरल आपका SC सबके लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग इन्होंने वैकेंसी जो है यहाँ पे बांटी गई हैं। यहाँ भी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी बांटी गई हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप कंप्लीट वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं बच्चा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको 10th क्लास 12th क्लास, यहाँ पे 10th और 12th आपकी दोनों होनी चाहिए एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी 10th और 12th दोनों होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपको हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट, यानी आपकी जो है 10th या 12th में आपको हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यदि आपका एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यदि आपके नहीं है तो आपको ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि इसमें कंपलसरी कर दिया है इन्होंने एक सब्जेक्ट चॉइस आपका वहाँ पर होना चाहिए बच्चों। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पे इसमें जो है और भी चीज़ें आपको बताई गई है कि आपके पास यदि कोई और भी डिग्री है, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, ये भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बात करता हूँ पे स्केल की, तो यहाँ पे आपको लगभग 21,700 का पे स्केल यहाँ पे मिल जाएगा, लगभग लेवल 3 की आपकी जो है यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। एज की बात करता हूँ, तो मैं एज इन्होंने बता दिया, यहाँ पे 18 से 25 साल तक आपकी एज होगी, और इसमें आपको 3 साल की छूट यहाँ पे इन्होंने दे दी है। 1 फरवरी 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी, और 3 साल का यहाँ पे एज रिलेक्शन आपको दे दिया गया है, यानी कि 25 से 28 साल में अब आप भर सकते हैं बच्चा। तो यहाँ पे और सारी चीज़ें भी आपको लिख के दी हैं, अगर आपके काम की है तो आप इसे पढ़ सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे फिजिकल आपका होगा मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर की जो है रनिंग होगी, 12 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी बच्चा। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको 1 किलोमीटर की जो है किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक्स सर्विस के मैन के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में यहाँ पे इनको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये PST आपका यहाँ पे है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, इसको भी आपको देख लेना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये। इसमें आपको जो है नॉलेज टेस्ट होगा, उसमें आपको जो नंबर दिए जाएंगे वो 94.5% में से यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद और जो नंबर हैं आपके यहाँ पे अलग अलग दिए जाएंगे, यहाँ पे 94.5 जो यहाँ पे, इसमें आपको जो आपका NCC सर्टिफिकेट है उसके नंबर भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उसमें उन्होंने लिखा है 3 नंबर इसमें लिए जाएंगे। टोटल नंबरों की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको सारे नंबर दिए जाएँ तो 5.5 नंबर आपको यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका पहले यहाँ पे आपका PMT होगा, उसके बाद PET होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे अलग अलग दिया गया 3% आपको NCC और 2.5 स्कोर जो है इकोनॉमिक्स जो है आपका यहाँ पे ये दिए जाएंगे। बात करते हैं 5 स्टेज में मेडिकल है, तो 5 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो है दिया गया है, तो 5 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
आइए बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे मन में है अब हाइट कितनी ली जाएगी। बच्चों तो हाइट के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर हाइट मेल कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ तो 1.70 सेंटीमीटर ये जो आर जनरल की है, जनरल में अगर आपकी 1.70 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बात करते हैं 61 सेंटीमीटर की मेल कैंडिडेट की, जिसे आपको रिलेक्शन जो आपका रिलेक्शन है, जो आपको रिलेक्शन मिला है, रिलेक्शन कैटेगरी में जो आते हैं उनको 61 जो है हाइट चाहिए। ये मेल कैंडिडेट की है, दोनों ही मैं मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ यहाँ पे। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, यदि आप जनरल से बिलोंग जनरल में आते हैं तो आप 1.58 आपकी जो है हाइट चाहिए, 1.58 तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिजिकल के लिए एलिजिबल होते हैं। 1.56 में एज जो आपको रिलेक्शन मिलेगा, यानी कि आपको हाइट में रिलेक्शन, तो वहाँ पे 1.56 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए तभी आप इसे भर सकते हैं। ये फीमेल कैंडिडेट की बच्चा। बात करते हैं हाई आपकी चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 83 से आपका यहाँ पे 87 चाहिए, यानी 83 आपकी नॉर्मल चाहिए और ये आपका फुलाओ, यानी फुलाओ आपको चाहिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का, तो 83 से 87 आपकी होनी चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और अगर मैं अगर मैं रिलेक्शन के बारे में बात करता हूँ, जिन बच्चों को रिलेक्शन दिया जाता है इसमें, तो आपका 81 से 85 होगा, यहाँ भी 4 का जो है चाहिए आपको रिलेक्शन कैटेगरी। यहाँ पे अगर आप रिलेक्शन कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको इतनी चाहिए। फीमेल के लिए कोई भी एस क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए, तो ये यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि चेस्ट वगैरह कितनी चाहिए, हाइट आपको कितनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट तरीके से बताई है। यदि आपका कोई भी पॉइंट छूट जाता है तो आप जाकर PDF पढ़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने ऑलरेडी डाल दी है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।